हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गूगन जाहिर मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्रीवियस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रिकाटी इक्वेशन के बारे में। रिकाटी इक्वेशन के बारे में, तो रिकाटी इक्वेशन जो होती है वो एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था बीएससी पार्ट सेकेंड के अंदर। तो रिकाटी इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बता देती हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, कॉन्स्टेंट हो, डेरिवेटिव हो, इस तरह की इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। लेट हम मान लेते हैं आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स हो, कॉन्स्टेंट हो और डेरिवेटिव डेट मीन्स dy अपॉन dx हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। बीएससी पार्ट सेकंड में हमने बहुत टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। तो वहां हमने क्या पढ़ा था? इन इक्वेशन के जनरल फॉर्म के बारे में पढ़ा था और इनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो सिमिलरली आज हम क्या करेंगे, रिकाटी इक्वेशन के जनरल फॉर्म देखेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालना फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो रिकाटी इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? तो रिकाटी इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है dy upon dx is equals to p plus क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वेयर, जहां पे आपके p, q, r जो है वो फंक्शन होंगे किसके, x के, या फिर आपके कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे रिकाटी इक्वेशन के अंदर एक कंडीशन ये होती है कि r इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये बात ध्यान रखने वाली है कि रिकाटी इक्वेशन में आपका ये जो r हमने यहाँ लिया है ना, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अब जीरो क्यों नहीं होना चाहिए ये? अब मान लेते हैं इन केस अगर r इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू p प्लस qy, और ये आपकी क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसीलिए हमने यहाँ पे ये नोट डाला है कि आपकी जो रिकाटी इक्वेशन है इसमें r नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर r जीरो हो गया तो आपकी जो इक्वेशन है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, रिकाटी इक्वेशन। तो अब हम जनरल फॉर्म के बारे में जान चुके हैं रिकाटी इक्वेशन की, तो अब हम पढ़ेंगे कि इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशंस ऑफ रिकाटी इक्वेशन। अब जनरल सॉल्यूशन ऑफ रिकाटी इक्वेशन में हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई रिकाटी इक्वेशन है, dy upon dx is equals to p plus qy plus ry square, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब जैसे कि हमने बीएससी पार्ट सेकंड में होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, तो हम क्या करते थे उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए y upon x को v सपोज कर लेते थे, उसके बाद हम फर्दर कैलकुलेशन करते थे। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं लेट अस सपोज दैट y इज इक्वल्स टू माइनस यू वन अपॉन आर यू, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया, बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। हमने क्या किया, जैसे होमोजीनियस में हम मानते थे कि मान लेते कि y अपॉन x इज इक्वल्स टू v है, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं रिकाटी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये सपोज कर लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू माइनस यू वन अपॉन आर यू इस इक्वेशन नंबर वन जो है इसका सॉल्यूशन है। अगर ये इक्वेशन वन का सॉल्यूशन है, मतलब अगर हम इसे इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा, है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो r यहाँ पे हमने यूज किया है ना, वो इक्वेशन के अंदर वाला जो r है वही है। ये u कोई एक फंक्शन है और यू वन जो है वो डिफ्रेंशिएशन है किसका, यू का। शॉर्ट में हम लिखते हैं कि जैसे मान लो ये आपका वाई है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे लिखते हैं, dy अपॉन dx लिखते हैं विद रिस्पेक्ट एक्स। इसको हम शॉर्ट में y1 भी लिख सकते हैं ताकि हमें आगे लिखने में ज्यादा समस्या ना हो।
तो इसीलिए ये यहाँ पे अगर u है तो ये u1 जो है ये u का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे कि हमने मान लिया कि y इज इक्वल्स टू माइनस यू वन अपॉन आर यू इक्वेशन वन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन के लिए dy अपॉन dx चाहिएगा, मतलब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन सेकंड को, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, अब ये u अपॉन v से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो u अपॉन v वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर होता है v का स्क्वायर, मतलब ru का स्क्वायर किया। अब हम क्या करेंगे, आर यू को एज इट इज रख लेंगे। अब माइनस यू वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस यू टू। जैसे यू वन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है ना यहाँ पे, वैसे जो यू टू है वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वो क्यों, अब माइनस का निशान आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यू वन को एज इट इज रखते हैं और आर यू का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब आर यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आपका यू वन जो है ना माइनस यू वन है ऊपर, तो ये माइनस ऐसे रहेगा। अब आर यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो r एज इट इज रखा, u का हो गया u1, उसके बाद u को एज इट इज रखा और r का क्या हो जाएगा, r1। अब तो ये फर्दर कैलकुलेशन चलेगी, हम इस कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस r u u2 प्लस u1 r u1 प्लस ur1 अपॉन में एज इट इज चल ही रहा है आपके आर यू का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम, तो क्या लिखेंगे, माइनस यू टू अपॉन आर यू, क्योंकि ये एक आर यू से नीचे वाला आर यू कैंसिल हो गया। उसके बाद आपका यहाँ रहेगा क्या, u1 स्क्वायर अपॉन आर यू स्क्वायर प्लस r1 u1 अपॉन आर स्क्वायर यू। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपके पास इक्वेशन वन में क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू p प्लस qy प्लस ry स्क्वायर। हमारे पास y की वैल्यू भी है इक्वेशन नंबर टू से और dy अपॉन dx की वैल्यू भी है इक्वेशन नंबर थ्री से। तो हम टू और थ्री को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर वन में। टू और थ्री को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx को तो लिख देंगे माइनस यू टू अपॉन आर यू प्लस u1 स्क्वायर अपॉन ru स्क्वायर प्लस r1 u1 अपॉन r2 u इज इक्वल्स टू p एज इट इज। नेक्स्ट आपका है qy, मतलब q y की जगह हम क्या लिख रहे हैं, माइनस u1 अपॉन ru प्लस ry स्क्वायर। r एंड y स्क्वायर दैट मींस माइनस u1 अपॉन ru का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, ये देखिए, ये अपने पास क्या आई थी, इक्वेशन आई थी, मतलब जब हमने वन टू और थ्री को यूज किया था तो हमने क्या किया, वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट की, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका स्क्वेयर कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यू टू अपॉन आर यू प्लस r1 u1 अपॉन r2 u, क्योंकि देखो ये एक r से एक ये r कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आपके पास क्या बचा, यू वन स्क्वेयर अपॉन आर यू स्क्वेयर, और ये भी यू वन स्क्वेयर अपॉन आर यू स्क्वेयर है, मतलब कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस यू टू अपॉन आर यू प्लस r1 u1 अपॉन r2 u इज इक्वल्स टू p माइनस q u1 अपॉन आर यू। अगर ये जो सॉल्यूशन है ये आप खुद करेंगे ना, क्योंकि अभी सिर्फ कैलकुलेशन है तो आपको थोड़ा और इजी लगेगा ये, ठीक है। तो एक बार आप खुद ट्राई करना इसे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्यूशन तो आप कर लेंगे, r2 u नीचे एलसीएम लिया, माइनस r u1 प्लस r1 u1 इज इक्वल्स टू p r u माइनस q u1 अपॉन आर यू। ये एक u से ये वाला u कैंसिल आउट हो गया और एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, माइनस r u2, ये सॉरी आपका यहाँ u2 है ना, ये u2 है, माइनस r u2 प्लस
आर वन यू वन इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वेयर यू, ये आर जो है ना ये एक बचा था यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, माइनस क्यू आर यू वन। तो ये आपके पास क्या इक्वेशन बनी, ये नेगेटिव है इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि सब टर्म्स को एक तरफ करके जीरो को इक्वल कर देते हैं हम। तो हमारे पास क्या रहेगा, आर यू टू माइनस आर वन यू वन प्लस पी आर स्क्वेयर यू माइनस क्यू आर यू वन इज इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट आर यू टू, अब ये यू वन और ये यू वन के टर्म है, इनमें से यू वन को लेंगे हम कॉमन माइनस यू वन को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आर वन प्लस क्यू आर प्लस पी आर स्क्वेयर यू इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम इसे मान लेते हैं कि लेटर से ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से आर का डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय आर, तो हमारे पास क्या मिलेगा, यू टू माइनस यू वन आर वन अपॉन आर प्लस क्यू प्लस पी आर यू इक्वल्स टू जीरो। अब आपने ये अभी आपकी जो इक्वेशन है यू टू को मैंने क्या बोला था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ यू है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर यू अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और यू वन को हम क्या लिख सकते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्या बनेगी, ये डी स्क्वेयर यू अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस आर वन अपॉन आर प्लस क्यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी आर यू इक्वल्स टू जीरो। ये आपकी क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जो कि हमने बीएससी पार्ट सेकेंड में पढ़ा था कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पढ़ा था ना। तो ये आपकी जो रिकार्डी इक्वेशन हम लेके चले थे ना स्टार्टिंग के अंदर, वो आपकी किसमें ट्रांसफॉर्म हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर में बदल गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर के अंदर ये ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट करती हूँ, हमने क्या किया, एक रिकार्टी इक्वेशन ली थी, रिकार्टी इक्वेशन के जनरल फॉर्म के बारे में पढ़ा था कि रिकार्टी इक्वेशन के जनरल फॉर्म है जहाँ पे आर नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, एक इक्वेशन लेके चले थे ना, ये वाली इक्वेशन लेके चले थे और माना था कि y इज इक्वल्स टू माइनस यू वन अपॉन आर यू इसका एक सॉल्यूशन है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है डेट मीन्स ये इक्वेशन वन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास इक्वेशन वन में dy अपॉन dx यूज हो रहा था, तो हमने क्या किया, इक्वेशन टू का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन वन है इसके अंदर वाई स्क्वेयर वाई और dy अपॉन dx की वैल्यू को पुट कर दिया, और पुट करने के बाद जब हमने इसे सोल्व किया तो हमारे पास लास्ट में एक इक्वेशन बन गई जो किस टाइप की थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर, और इसके सॉल्यूशन के बारे में हमने बीएससी पार्ट सेकेंड में पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं, ये हमने इक्वेशन ले ली जो कि हमारी बनी थी, ट्रांसफॉर्म हुई थी ना जो इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, उसे हमने ले लिया, और हम मान लेते हैं कि लेट इट्स टू एल आई फंक्शन बी एफ एक्स एंड जी एक्स, ऐसे सोल्व करते थे हम। तो हम क्या करेंगे, मान लेते कि इसका जो सोल्यूशन है ना वो ये है, यू इज इक्वल्स टू ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, जहां पे आपके ए और बी क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, ए और बी क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं यू का तो वो क्या होगा, यू वन इज इक्वल्स टू ए तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है तो कॉन्स्टेंट तो एज इट इज रहेगा, और एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट है, डेट मीन्स बी का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सिर्फ फंक्शन का होता है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 6 है ये, और ये इक्वेशन नंबर 7। तो स्टार्टिंग में हम क्या लेके चले थे, इक्वेशन नंबर 2 में अगर आपको याद है तो हमने क्या सपोज किया था कि y इज इक्वल्स टू माइनस यू वन अपॉन आर यू, ये क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हमने क्या किया, u की वैल्यू निकाल ली, u1 की भी निकाल ली, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड, सिक्स एंड सेवन हमने क्या लेके चला था, वाई इज इक्वल्स टू माइनस यू वन अपॉन आर यू, या हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस वन अपॉन आर, यू वन की वैल्यू क्या है, ए एफ डैश एक्स प्लस बी जी डैश एक्स अपॉन ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि जितनी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतना ही आपके कॉन्स्टेंट सॉरी उतने ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आते हैं। तो इनिशियली जब हम रिकार्टी इक्वेशन लेके चले थे उसके जनरल फॉर्म में क्या आ रहा था, dy अपॉन dx आ रहा था। ठीक है, मतलब अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव इक्वेशन है ना, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, लेकिन हमारे सोल्यूशन के अंदर तो a और b दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसे एक कॉन्स्टेंट के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन आर, ऊपर से हमने क्या किया b को कॉमन ले लिया। जब हम b को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, a अपॉन b f डैश x प्लस g डैश x अपॉन, यहां से भी हमने क्या किया b को कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a अपॉन b f x प्लस जी एक्स। ठीक है, ये b से भी कैंसिल आउट हो गया और अब यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि लेट a अपॉन b इज इक्वल्स टू k, तो अब क्या आ जाएगा, a अपॉन b की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। मतलब अब आपके जनरल सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है और वो क्या है, k। तो आपके जो रिकार्टी इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा आपके पास, y इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन आर, a अपॉन b की जगह k हो जाएगा, है ना। देखो मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, आपने लिख लिया होगा साथ में, है ना। तो ये आपका जो अब सॉल्यूशन होगा रिकार्टी इक्वेशन का वो क्या रहेगा, y इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन आर के एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स अपॉन के एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो ये है आपका जनरल सॉल्यूशन किसका, रिकार्टी इक्वेशन का, जनरल सॉल्यूशन है इसका रिकार्टी इक्वेशन का। आई होप आपको समझ आया होगा, इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में बता देना और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन। थैंक यू।